हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलते हैं फिर वीडियो के साइड। गाइस, आज हम बनाने वाले हैं पोहा पापड़ी। पापड़ी में क्या क्या सामान डलता है वो देख लीजिएगा। एक कप मेरे पास पोहा है, इसके जस्ट आधा बेसन है, इसके जस्ट थर्ड नंबर पे मेरे पास चावल का आटा है, नमक मेरे पास स्वाद अनुसार है, इसमें काली मिर्ची और एक पाउच चिली फ्लेक्स है, कमी चिली फ्लेक्स डालना है, और इसमें अजवाइन और जीरा डाला है, हल्दी आधा चम्मच, करी पत्ते ये डालना है। ये ना हो आपके पास करी पत्ते तो आप हरे धनिया की पत्ती आती है आप वो डाल लें। अब हम एक कटोरा लेंगे, इसमें हमको है ना थोड़ी देर के लिए 10-5 मिनट के लिए ना ये पोहा फुलाने के लिए रखना है पानी में ना। 5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह फुलाने रख लें, ऐसे फिसल जाए तो समझो हमारा पोहा फूल गया। तो गैस इसने पानी सोख लिया है, अब मैं इसके पानी को बाहर निकाल दूंगी। तो गैस इसका पानी हमने बाहर निकाल दिया, अब इसको है ना अच्छे से हाथ से इस तरह आटे की तरह मस लेंगे। बहुत अच्छे से मसलना है। और साथ में ही हम क्या करेंगे, ये बेसन डाल देंगे इसमें, चावल का आटा से बहुत अच्छी करारी पपड़ियाँ बनती हैं, नमक स्वाद अनुसार, चिली फ्लेक्स, काली मिर्ची। काली मिर्ची को दर दर कूट लें। गैस ये है बेकिंग सोडा 2 पिंच, हल्दी, जीरा और अजवाइन, ये मेरे पास करी पत्ते हैं, इनको मैं तोड़ लेती हूँ। ये मेरे घर के मीठे नीम के पत्ते हैं, तो मैं तो रोज़ जब मुझे चाहिए होता है ना तब मैं तोड़ लेती हूँ, इसलिए मेरे फ्रेश रहते हैं ये। अब गैस इसका हमें ना डो लगाएंगे। हमें अभी पानी की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि पोहा अभी गीला ही था। अगर ऐसा लगे कि हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है तो हम पानी डालेंगे। गैस इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच ऑयल। ऑयल हमें थोड़ा बाद में डालना है ताकि अच्छा सा मोइन सा हो जाएगा इसमें। अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला है क्योंकि मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है। तो गैस ये मेरा डो लग गया है। अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास कुछ कटर हैं, मैं इनकी डिजाइन की बनाऊंगी। अगर आपके पास ये नहीं होते हैं ना तो आप है ना बोटल्स के ढक्कन आती हैं या पतली किनोरी वाला गिलास आता है ना, आप उससे भी काट सकते हैं। मेरे पास तो ये कटर है, कुछ मैं गिलास के भी काटूंगी, कुछ कटर के भी काटूंगी। तो हम पहले इस आटे के लिए लोई निकाल देती हूँ बाहर। एक्शन आप बोलो। अब हमें ना क्या करेंगे, ऑयल लेंगे हाथों के पे क्योंकि ये आटा बहुत जल्दी से चिपकता है। तो इस तरह लेके इसको ना हमें अच्छा सा एकदम स्मूथ करना है, बहुत सिल्की बनानी है लोई इसकी क्योंकि बेलने में बहुत परेशानी आती है। तो गैस मैंने पहले उस ऑयल लगा लिया इस पर अच्छे से, इसको हाथ से पहले थोड़ा सा दबा दूँगी। इसकी किनोरी फटे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें तो बीच में से इसका मटेरियल लेना है और बेलन की सहायता से आराम आराम से इसको अच्छे से बेलना है। अगर आपको ऐसा लगे कि चिपक रहा है तो आप है ना इसमें आटा भी यूज़ कर सकती हैं। ताकि क्या आटा लगा लेंगे ना तो ये बिल्कुल चिपकेगा नहीं। तो गैस इसमें मैं हल्का सा ऑयल लगा लूँगी। अब मैं इसको काटूँगी। अभी मुझे ना एक ही डिज़ाइन की ज़रूरत है तो मैं एक ही इसी को निकालती थी। और साइड में ना हम ऑयल गर्म करने के लिए रख देते हैं, तब तक हम ये बना रहे हैं। हमको पपड़ी बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा और ये हमारे पास बहुत शानदार पपड़ियाँ बन के आ गई हैं।
और ये इतनी स्वादिष्ट बनती हैं। इसको हमें ना बाहर जाते हैं तो 10-12 दिन के लिए इनको अच्छे से स्टोर करके भी रख सकते हैं। ऑयल के लिए मैंने गैस के फ्लेम को हाई कर दिया है, तब तक मैं दूसरी लोई तैयार कर लेती हूँ। गैस ये मैंने बेल के रख ली है, अब इनको है ना हम तलेंगे। ऑयल हो गया है हमारा, मैं डालूँगी। गैस के फ्लेम को कम रखें, पपड़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं। गैस इसको हम पलटेंगे। इनको है ना हमें एकदम पतला ही बेलना है, क्योंकि कभी कभार क्या है ना इनमें लचीलापन रह जाता है पोहा के कारण। तो आपको है ना अगर आपके पास चावल काटा नहीं है ना तो आप उस जगह अरारोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बहुत ही करारी बनेंगी ये। और इनको ना हल्की मध्य आंच पे ही सेकना है, पर एकदम पतला बेलना है। तो गैस ये मैंने कटर से बना लिए, कुछ टेंगल भी बनाए हैं, ये भी बनाए। अब हम बनाते हैं गिलास से। मेरे पास गिलास है, ऐसी पतली सी किनोरी वाले गिलास होते हैं ना, अक्सर घरों में ऐसे गिलास होते ही हैं। तो हमें ना, मैं आपको ऐसे भी बताती हूँ क्या है, कभी कभार घरों में कटर नहीं होते हैं तो हमारे पास गिलास तो होता है, लेकिन गैस रोटी को एकदम पतला ही बेलना है, बिल्कुल मोटा नहीं बेलना है। ऐसे ही हम सारे पीस काट लेंगे और इनको हम तल लेंगे। तो गैस हमें क्या है, आटा थोड़ा रखा है, हल्का सा गीला सा हो जाता है ये ढीला। तो हम क्या करेंगे, एक प्लेट में ऐसे अरारोट ले लेंगे, क्योंकि टाइम तो लगता है तो आटा भी हमारा ढीला हो जाता है। हमें है ना इसके इस तरह आटे को लगा लेना है अरारोट के अंदर। अरारोट ना हो तो आपके पास चावल का आटा हो और या उसका आटा हो, कॉर्नफ्लोर हो, तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। तो गैस ये बहुत अच्छे से बेलता है, पर आटा, गेहूं का, बेसन ये इस्तेमाल नहीं करना बिल्कुल भी। तो गैस ये ना बहुत अच्छे से बेल जाता है, नहीं तो गीला हो जाता है ना, तो बेलन से बहुत चिपकता है ना, बेलता भी नहीं है। और इस कॉर्नफ्लोर से क्या है ना बहुत अच्छी करारी बनती हैं ये पपड़ियाँ हमारी। तो मैं गिलास से ही फिर से काट रही हूँ। तो गैस ये मैंने बना के तैयार कर ली हैं, और ये पोहा पापड़ी बहुत शानदार बनती हैं। हम कहीं भी जाते हैं तो ये ले जाओ इनको, तो अच्छे टाइम तक रखी रहती हैं। और ये देखो कि करारी बनी है एकदम, बहुत अच्छे से बनती हैं ये। और बस गैस इसमें क्या होता है कि हमें ना पोहा को पहले भिगो के रखना पड़ता है, कुछ थोड़ा सा पोहे का पानी अच्छा सा निकल जाए ना तो बिल्कुल आटा गीला नहीं होता है। अगर हमारा आटा गीला भी हो जाता है मारते वक्त में, तो हमें अरारोट की मदद ले लेना चाहिए। और अगर अरारोट नहीं है तो कॉर्नफ्लोर होता है ना, आप उसको ले लें और लोइयों में लगा के बेल लें ना, तो बहुत अच्छे से बेलता है वो, और बहुत शानदार पपड़ी बनती हैं। आप सुबह शाम के चाय के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। गाइस अगर आप चाय पी रहे हो इस टाइम तो आप इनका एंजॉय कर सकते हैं, और मेरे इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। इस इंस्टेंट रेसिपी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। तो मैं आपके लिए ऐसे इंस्टेंट वीडियो लेके आऊँगी। टेक केयर। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ इसको आप लाइक करना। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना, ताकि मैं ऐसी वीडियो लेके आऊँ। टेक केयर।